1,20,000 रुपए के पांजे के साथ गांजा तस्कर गिरफ्तार। दतिया से शिवपुरी खफाने के लिए ले जा रहे थे गांजे की खेप। शिवपुरी जिले की दिनारा थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 1,20,000 रुपए कीमत का 3 किलो 17 ग्राम गांजा जब्त किया है। पकड़ा गया आरोपी दतिया जिले का रहने वाला है, जो दतिया से गांजे की खेप लेकर शिवपुरी खपाने आ रहा था। तभी पुलिस ने उसे मुखबिर की सूचना पर से धर दबोचा। करेरा SDOP शिवनारायण मुखाती ने दिनारा थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जानकारी देते हुए बताया कि दिनारा थाना प्रभारी विनोद भार्गव को मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक गांजे की खेप लेकर दतिया से दिनारा आ रहा है। वहीं सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने सरकारी अस्पताल के पास सेवड़ी दिनारा रोड एक व्यक्ति को घेर कर पकड़ा। नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम कल्लन उर्फ कल्ला पुत्र सुखदीन यादव उम्र 42 साल निवासी गरेरा थाना जिगना जिला दतिया का होना बताया। आरोपी कब्जे पुलिस ने प्लास्टिक के गट्टे में गांजे के 2 पैकेट वजन 3 किलो 17 ग्राम कीमत 1,20,000 रुपए जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। दिनारा से रानू राजपूत की रिपोर्ट। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अभियान चलाया जा रहा है। जीरो टॉलरेंस पर जितने भी मादक पदार्थ अवैध पदार्थ हथियार या सबके खिलाफ, उसके तहत कल सूचना प्राप्त हुई हमारे थाना प्रभारी भार्गव जी को दिनारा थाने में कि एक व्यक्ति दतिया तरफ से एक कट्टे में गांजा लेके अपने दिनारा तरफ आ रहा है। उस सूचना पर इन्होंने चेकिंग लगाई अपने स्टाफ के साथ, तो उन्होंने एक व्यक्ति जो अपने पास एक सफ़ेद कट्टा रखा था उसमें गांजा लिए था, और उसका नाम पता पूछने पर कल्लन और कल्ला पिता सुखदीन यादव उम्र 42 साल निवासी गरेरा थाना जिगना का रहने वाला बताया। उस कट्टे में 2 पैकेट पाए गए, उसमें 3 किलो 17 ग्राम गांजा पाए गए, कीमती 1,20,000 का। इसमें थाना प्रभारी दिनारा विनोद भार्गव और चौकी प्रभारी चंदा और सहायक उप निरीक्षक विवेक भट्ट और विनोद गौतम और इनके SCM रवि शास्त्री रवि माझी सभी की भूमिका प्रमुख रही है।